कुछ भी कीजिए, कहीं से भी लाइए, मुझे मेरा 2.5 लाख रुपया 2 दिन में चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हमको मजबूरन पुलिस का मदद लेना पड़ेगा। बहुत घमंड था ना उसे अपनी कमाई पर। आप देखती हो कि वो किसके दम पर अपना घर चलाती है। 2 दिन में अगर हमारी दुकान का मरम्मत नहीं हुआ तो हम आपके ऊपर अपना दुकान जलाने का केस कर सकते हैं। सड़क पर आने के लिए तैयार हो जाइए और पुलिस केस होगा सो अलग। चलो अब तुम सब भी तैयार हो जाओ, हमने निकलने का वक्त हो गया है। अरे कहाँ निकलने का वक्त हो गया? हाँ तुमरे सेंटर में तो कुछ और रहा ही नहीं। हम जानते हैं अम्मा जी, सेंटर में कुछ नहीं बचा है, पर हमरी बुलबुलिया का उम्मीद तो बचा है ना। आज उसका कुश्ती का प्रतियोगिता है अम्मा जी। ऐसी हालत में हम प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते। पागल हो गई हो का? प्रतियोगिता में हिस्सा ना लोगी बिटिया, 1 साल तुमने इसके लिए मेहनत की है और फिर मुश्किल वक्त ही तो हमको मजबूत बनाता है। चलो बहुत बातें हो गई, चलो तैयार हो जाओ। अरे कैसी बातें कर रही है बहुरिया? सेंटर तुम्हारा खाक हो गया, सर पे हमारे कर्जा चढ़ गया और तुम्हें कुश्ती और अखाड़े का पड़ा है। हम जानते हैं अम्मा जी, हमारा बहुत नुकसान हुआ है, पर नुकसान का भरपाई कभी ना कभी तो हो ही जाएगा ना। पर आज अगर हमारी बुलबुलिया का मनोबल टूट गया ना तो उसका भरपाई कभी नहीं हो पाएगा। और अम्मा जी, जिंदगी में तो उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, इसका क्या मतलब है कि हम हंसने का खुश होने का मौका छोड़ दें? आज अगर हमारी बेटियां जीत गई ना तो हमें एक नई शक्ति मिलेगी लड़ने की। कुछ भी हो जाए, अखाड़ा बाजी में ये चेहरा मत बिगाड़ लेना, प्रतियोगिता में जीत कर आना। बैठेंगे यहाँ से हमें बुलबुल दीदी तुम साफ साफ दिखाई देगी। हाँ माँ, बैठिए ना एकदम स्टेज के पास। माँ आप लोग यहाँ बैठ जाइए, फिर हम अंदर जाएंगे। आप लोग यहाँ नहीं बैठ सकते। क्यों, हम यहाँ क्यों नहीं बैठ सकते? आप लोग दर्शकों वाली सीट पर बैठिए, ये सेक्शन VVIP और चीफ गेस्ट के लिए है। हम इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और ये हमारा परिवार है, हमारे लिए हमारी माँ ही चीफ गेस्ट है। देखिए हमारी बहन पहली बार इतनी बड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रही है, तो हम चाहते थे कि अच्छे से देखें। मैडम पर यहाँ बैठना अलाउड नहीं है। अरे अलाउड कैसे नहीं है, तुम एक काम करो अपने ऑर्गेनाइजर को बुलाओ, हम सब कुछ अलाउड करवाते हैं। हम हैं ऑर्गेनाइजर। Thank you.
बताइए क्या परेशानी। तुम पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। तुम्हें नहीं लग रहा तुम कुछ ज्यादा ही चिपकू हो रहे हो? प्रणाम। देखिए, ये कुश्ती की प्रतियोगिता को ऑर्गेनाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिला है और ये हमारी कंपनी का पहला कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए हम यहाँ हैं और हम किसी का पीछा करते हुए यहाँ नहीं आए। ठीक है, जो भी है, ये हमारा परिवार है और ये लोग सब यहीं बैठेंगे। देखिए, जहाँ आप खड़े हैं वो सीट्स VVIPs के लिए है, आप लोग यहाँ नहीं बैठ सकते। हम लोग एक काम कर सकते हैं कि बिल्कुल इसके सामने वहां बैठ जाइए, वहां से आप कुश्ती बिल्कुल साफ देख सकती। नहीं ऐसे। बुलबुलिया, हम तो केवल तुम्हें जीता हुआ देखना चाहते हैं, फिर कहां बैठ के देखो इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम अपने खेल पर ध्यान दो, हम वहां बैठ जाएंगे। नहीं माँ, तुम जाओ, जाकर अपनी प्रिपरेशन करो, जाओ। बुलबुल मिश्रा, अंदर चलो। I'm sorry, लेकिन मैं आपको इन VVIP सीट्स पे बैठने नहीं दे सकता। आप सॉरी मत बोलिए, वो एक्चुअली हम आपको थैंक यू बोलना चाहते थे उस दिन के लिए। थैंक यू। नमस्कार भाइयों और बहनों, प्रतियोगिता में भाग ले रही सारी लड़कियां मैदान में आ जाएं। तो भाइयों और बहनों, हमारे आज की प्रतियोगिता के चीफ गेस्ट यहां कुछ ही मिनटों में पधार रहे हैं। हम उनका पहले सम्मान करेंगे और उसके ठीक बाद प्रतियोगिता आरंभ होगी। तो लीजिए, वो घड़ी यहाँ आ गई है जिसका हम सबको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। हमारे चीफ गेस्ट यानी शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन गुड्डू मिश्रा जी अपनी धर्मपत्नी ललिता मिश्रा जी के साथ यहाँ पधार चुके हैं। अच्छा, तो ये चम्मक चल्लो है गुड्डू मिश्रा की दूसरी पत्नी, शक्ल से नौटंकी लगती है। भाऊजी, जिसे आप दूसरी औरत कह रहे हैं ना, वो हमारी बीबी है। क्या कर लाए हम उसे? अगर वो तुम्हारी बीबी है तो ये कौन है? ये हमारी गलती है, सबसे बड़ी गलती। बुलबुल पर ध्यान दीजिए। अब हमारे जिला कुश्ती संगठन के अध्यक्ष तिवारी जी हमारे मुख्य अतिथि गुड्डू मिश्रा जी का सम्मान करेंगे।
गुड्डू जी आप यहाँ आए, हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। पूरा संगठन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अरे ललिता जी, यहाँ आकर हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। उकाय के रोज रोज के काम धंधे का मीटिंग करके हम पक गए थे, आज यहाँ हमें सब प्रतियोगिता का आनंद उठाएंगे। आपने नो का आमंत्रण स्वीकार करके अच्छा किया। अरे भाई, हम नहीं जानते थे कि आप खेलकूद में भी रुचि रखती हैं। कोई रुचि वुचि नहीं रखते हम। वो तो तिवारी जी ने इतने प्यार से निमंत्रण भेजा था, हम मना नहीं कर पाए। अब आए हैं तो खेल देखेंगे। मैडम जी, ओपन से आपका काम हो जाएगा। आज का दिन बहुत मजेदार रहेगा। बिल्कुल। आइए गुड्डू जी, आपको खिलाड़ियों से परिचय करवा देते हैं, उसके बाद ये प्रतियोगिता शुरू होगी। अरे बेटा, तुम अरे जीते रहो। तुम यहाँ आओ, बैठो ना हमारे साथ। चाचा जी, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। वो क्या है जो ये प्रतियोगिता है, वो हमारी कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया हुआ। अच्छा, बहुत खुशी हुई जानकर। किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें याद करना। जरूर। थैंक यू गुड्डू जी। ये कौन था? वो बाप, हमारे दोस्त का लड़का है। आते हैं। ये है पूनम शर्मा, ये है विमला पांडे, ये है सरिता पाल, ये है कल्पना त्रिपाठी, ये है रचना सिंह, ये है बुलबुल मिश्रा, उनसे मिलाते जिससे आप मिलने आए हैं। ये हमारी बड़ी बेटी। चलो, अभी तो ये पहला सरप्राइज है मिश्रा जी। आगे आगे देखिए, बहुत सरप्राइजेस आपका इंतजार कर रहे हैं। बुलबुल मिश्रा, आपको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आज की प्रतियोगिता में। सर, आप हमारा पूरा नाम बताना भूल गए। हमारा नाम है बुलबुल रंजू मिश्रा। सालू, हमारी बुलबुलिया गुस्से में लग रही है और वो गुस्से में हर काम बिगाड़ देती है। आज वुमेन्स डे और हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा नाम जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट वुमन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि हमारी माँ। भाइयों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुश्ती हमेशा से मर्दों का खेल रहा है, लेकिन आज भारत की लड़कियां भी इस खेल में अपना नाम रोशन कर रही है। उसी से प्रभावित होकर इस कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हमारा आग्रह है कि गुड्डू जी और उनकी धर्मपत्नी ललिता जी इस पर दो शब्द कहें। नमस्ते। हमारे पति गुड्डू मिश्रा जी और हमारी सोच एक जैसी है।
हम कहें या वो, बात तो एक ही है ना गुड्डू जी? हम दोनों का ये मानना है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने का पूरा हक है, और ये बात कहने का आज से अच्छा दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज वुमेन्स डे है। हैप्पी वुमेन्स डे। हम यहाँ महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ मौजूद है, पर एक बात से हम मायूस है कि सिर्फ 8 ही लड़कियों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। हम लड़की और लड़कों में भेदभाव नहीं करते। वैसे हमारे 2 बेटे हैं, लक्की और विक्की। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां इस कंपटीशन में हिस्सा ले और ये साबित कर दे कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अच्छा, तो ये पैदावार इनकी ही है, तो लक्की विक्की गुड्डू जी के बेटे। कावा? हाँ, वो जो 2 लड़के बैठे हैं, ये वही है जिन्होंने कॉलेज में मुझे परेशान किया था और बुलबुल ने इनकी पिटाई की थी। तो लीजिए, अब शुरू करते हैं जिला स्तरीय कुश्ती महामुकाबला। क्योंकि इस प्रतियोगिता में 8 प्रतियोगी हैं, तो सबसे पहले राउंड में 4 मुकाबले होंगे। जीतने वाले 4 लोगों के बीच सेमीफाइनल होगा और जो 2 लोग जीतेंगे उनके बीच फाइनल मुकाबला होगा। जीतने वाले को एक ट्रॉफी के साथ साथ ₹25,000 का नकद इनाम भी मिलेगा। तो चलते हैं हमारे पहले मुकाबले की तरफ, जो होगा बुलबुल और पूनम शर्मा के बीच। फोकस बुलबुल, फोकस। शुरुआत हुई है, बुलबुल मिश्रा ने 40 सेकंड के अंदर इस मुकाबले को जीत लिया। बुलबुलिया,
लक्की विक्की को तुम्ही ने बोला था ना शालू दीदी को परेशान करने के लिए, और तुम ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि गुड्डू मिश्रा यहाँ चीफ गेस्ट बन कर आने वाले। तुम चाहते तो हमें बता सकते थे, लेकिन नहीं, तुम सब मिले हो ये हम अच्छी तरह से जानते, ये तुम्हारी मिली भगत है बुलबुल। Are you okay? कुछ चाहिए होगा तो प्लीज। तुम ना ज्यादा अच्छे होने का नाटक मत करो, हम सब समझ रहे हैं, आज हमें सब कंफर्म हो गया। लकी विकी को तुम ही ने बोला था ना शालू दीदी को परेशान करने के लिए, और तुम ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि गुड्डू मिश्रा यहाँ चीफ गेस्ट बन कर आने वाले। तुम चाहते तो हमें बता सकते थे, लेकिन नहीं, तुम सब मिले हो ये हम अच्छी तरह से जानते, ये तुम्हारी मिली भगत है बुलबुल। फालतू का मत सोचो, आज तुम्हारी तुम्हारी ट्रॉफी के बीच कोई नहीं आ सकता। बुलबुलिया मैं तुमसे बस, तुम शुक्र मनाओ कि आज सिर्फ लड़कियों की प्रतियोगिता है, अगर लड़कों की होती ना जबरदस्ती अखाड़े में खींच लेते और धोबी पछाड़ देते हम। हम यहाँ तुम्हारी बहन की मदद करने आए थे और फिर से हमको उल्टा सीधा सुना के चली गई। अगर आज ये कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा होता ना, हमारे मुंह से भी 8-10 बातें निकल सकती थी। वैसे क्या सुनाते आप, हमारी बहन ने जो कुछ भी कहा है ना सब सच है, और उसने जो कुछ भी आपके बारे में कहा वो भी सच है। तिवारी जी आपकी तरफ से तैयारी पूरी है ना, आखिरी मुकाबला जोरदार होना चाहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए मैडम जी, हम है ना सब संभाल लेंगे। बुलबुल मिश्रा जी आप बताइए कि आपकी तैयारी काफी अच्छी लग रही है, क्या आप हमें अपनी सफलता का राज बताएंगी, और आपके पिताजी उनका कितना सहयोग रहा है? जी नहीं, वो सालों पहले हम सबको छोड़कर भाग गए, वो शायद परिवार का बोझ नहीं उठाना चाहते, या फिर उन्हें किसी और का बोझ उठाना था। तिवारी जी आपकी तरफ से तैयारी पूरी है ना, आखिरी मुकाबला जोरदार होना चाहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए मैडम जी, हम है ना सब संभाल लेंगे। बुलबुल मिश्रा जी आप बताइए कि आपकी तैयारी काफी अच्छी लग रही है, क्या आप हमें अपनी सफलता का राज बताएंगी, और आपके पिताजी उनका कितना सहयोग रहा है? जी नहीं, वो सालों पहले हम सबको छोड़कर भाग गए, वो शायद परिवार का बोझ नहीं उठाना चाहते, या फिर उन्हें किसी और का बोझ उठाना था।